स्टेज ने संगीत और रौंगत के सिंफनी में उत्तेजना किया और मनीषा रानी केंद्रीय स्थान पर खड़ी थी, जिनकी आंखों में लाखों सपनों का चक्कर था। उनकी कमरे की शांति से लेकर मुंगेर बिहार के चमकदार प्रकाशों तक मनीषा की यात्रा वीरता, सहनशीलता और सपनों की अडिग शक्ति का प्रमाण थी। उनका मार्ग ही हीरों से सजा नहीं था। मनीषा एक आत्मनिर्भर सोशल मीडिया प्रभावकारी, पहले टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर मशहूर हुई। उनकी सहज हंसी, उनकी अनकड़े व्यक्तित्व और उनकी हास्यप्रद बिहारी बोलचाल ने देश भर में लाखों लोगों के साथ संवेदना पैदा की। लेकिन मनीषा को ऑनलाइन प्रसिद्धि से ज्यादा चाहिए था। उन्हें केवल ऑनलाइन प्रसिद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि नृत्य को प्रदर्शित करने के लिए भी एक मंच, एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी। जब अवसर बिग बॉस OT2 के रूप में दस्तक देने के रूप में आया, तो मनीषा ने उसे दोनों हाथों से लिया। उन्होंने एक अड़ियल आत्मा दिखाई, मानव गतिकी की जटिलताओं को अनुभव किया और अपने ईमानदारी और विशेष हास्य के लिए मशहूर हो गई, जिनके लिए उन्हें पसंद किया गया। बिग बॉस घर से बाहर निकलकर मनीषा ने अपने सपनों की मशाल को और भी उज्ज्वल बनाया। जनता द्वारा बहुत पसंद किए जाने के बावजूद झलक दिखला जा वह प्राप्त करने के लिए बुलाई गई बहुमानकारी नृत्य रियलिटी शो ने कहा और मनीषा हमेशा की तरह निडर साहसी जवाब दिया। हालांकि वह एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में प्रवेश करी, जजों को अपनी बहुमुखी रूपरेखा से मोहित किया और अपने कथा साहित्य के माध्यम से दर्शकों के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाया। लेकिन मनीषा केवल अपने बारे में नहीं थी, उन्होंने अपने दिल के करीबी कारणों के लिए आपत्तिजनक हुई अपने गांव का दौरा किया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। हाय मनीषा रानी, पहले तो बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतनी छोटी सी उम्र में आपको लगता है कि यू नो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। यू नो बड़े लोगों की आपने मदद की है, नाम बहुत कमा रहे हो, शोहरत बड़ा कमा रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखिए कि नाम शोहरत अच्छे काम के आगे बड़ी छोटी चीज होती है। खुद ब खुद जो ईश्वर होता है वो जो दुआओं की स्याही होती है उससे आपका नाम जो होता है हमेशा आसमान पर लिख देता है। तो इसलिए ऐसा ही कमाल का काम करते रहे। माई विशेज आर ऑलवेज विद यू, कीप अ गुड वर्क गोइंग एंड आई प्रॉमिस कि जब भी हमारी मुलाकात होगी हम लोग मिलकर जुड़कर और जिंदगियां बदलने की कोशिश करेंगे और चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। मनीषा रानी मुंगेर की लड़की एक आशा का प्रतीक बन गई थी, जिसने साबित किया कि जुनून, कड़ी मेहनत और एक दयालु हृदय के साथ कोई भी वास्तविकता में सफलता की ओर नृत्य कर सकता है। छोड़ते हैं एक चमक और उद्देश्य का एक रास्ता।